समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का अनशन चल रहा है और अनशन का आज आठवां दिन है। इस आठवें दिन महापंचायत हो रही है और अतुल प्रधान हमारे पीछे मौजूद है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम भी मौजूद हैं और यहाँ पर समर्थक जितने भी हैं, जितने भी दल हैं, आम आदमी पार्टी हो चाहे RLD हो चाहे किसान यूनियन हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। और नरेश उत्तम का ये कहना है कि हमने ये मांग करी है अतुल प्रधान से कि अपनी लड़ाई जारी रखें, लेकिन अनशन जो है अनशन छोड़ दे। देखिए किस तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और इतने लोग महिलाओं समेत यहाँ पर ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। और देखिए इस शुरुआत में सबसे पहली पंक्ति पे जो स्टेज से पहले पंक्ति है यहाँ पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और पीछे की तरफ आप देखेंगे कि पूरा कलेक्ट्रेट का पास जो चौधरी चरण सिंह पार्क है वहाँ पर ये पूरा महापंचायत हो रही है और यहाँ पर दूर दराज से सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अतुल प्रधान को समर्थन देने के लिए। अतुल प्रधान का ये भी कहना था कि लोग जो आना चाह रहे थे उनको पुलिस ने रोक लिया और इस तरीके से आप देखिए कि जो बातें हो रही हैं उस पर ताली बजाकर अपना समर्थन दे रहे हैं और ऊपर भी जहाँ जगह मिल रही है लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और पीछे की तरफ आप देखिए कि आप कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पीछे की तरफ भी जहाँ जहाँ तक लोग नज़र आ सकते हैं और पूरी रोड यहाँ पर अभी कवर कर लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, इंटेलिजेंस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए उसका भी ध्यान रखे हुए हैं। हालांकि अतुल प्रधान का ये कहना है कि ये जो महापंचायत है बिल्कुल प्रेम स्वभाव से बनाई जाएगी और इसमें कोई भी किसी अपराध ना हो इसका भी अतुल प्रधान ने दिशा निर्देश दी है, कोई किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करे, ऐसी भी बातें बोली गई हैं यहाँ से। और ये भी कहा गया है कि किसी के खिलाफ भी कोई नारेबाजी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है और हम सबका अनुरोध है कि जो निजी अस्पतालों में लूट है या किसी तरीके की लूट है, इस पर जो अतुल प्रधान जी ने आंदोलन किया है, ये आंदोलन आमरण अनशन न करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, लेकिन आमरण अनशन आप स्थगित कर दें, बंद कर दें, यही अनुरोध करने आए हैं। और पूरा भरोसा है अतुल प्रधान जी पर कि वो अपनी लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन आमरण अनशन आज बंद करें, हमें भरोसा है वो अपना आमरण अनशन बंद करेंगे। लेकिन जिस बच्ची का जन्म दिया वो माता जो अपने घर पे थी उसके ऊपर भी मुकदमा। देखिए हम सराहना करते हैं अतुल प्रधान के साहस की, हिम्मत की, कि प्रशासन के उत्पीड़न के बावजूद जन समस्या के लिए, जनता की समस्या के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और लगातार एक हफ्ते से ज्यादा वो भूखे प्यासे बैठे हैं, हम उनके साहस की सराहना करते हैं। विधायक जी सरदार श्री अतुल प्रधान जी का नाम जब अखबार में चला आपको लगा कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, डेंगू से लोग मरे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बुखारों से मरे जा रहे हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार के पास दवा नहीं है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। हमारी सरकार में मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है, सस्ती दवा, इलाज अच्छा, ये करके दिखाया है और जब भी कभी मौका मिलेगा मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई होगी। निश्चित रूप से उन अस्पताल मालिकों से, उन डॉक्टरों से कहेंगे कि आप इंसान हैं, गरीब आदमी की भावना को समझते हुए आप उनसे उचित फीस लें, उनके ऊपर इतना बर्डन न डालें।